नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभा दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। देश में कोरोना के मामलों का लगातार बढ़ना जारी है और इसकी चपेट में राजनेता से लेकर फिल्म जगत से जुड़े बड़े बड़े कलाकार भी आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,79,000 नए मामले सामने आए। रक्षा मंत्री ने सोमवार को ट्वीट किया, मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं होम क्वारंटीन में हूं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं, वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच जरूर करवाएं। इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, कोरोना के हल्के लक्षण महसूस होने पर टेस्ट करवाया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वो खुद को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट जरूर करवाएं। मुंबई की एक अदालत ने बुलीबाई ऐप मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार आरोपियों श्वेता सिंह और मयंक रावल की पुलिस हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ाकर 14 जनवरी तक कर दी गई है। बुलीबाई ऐप मामले में मुस्लिम महिलाओं की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को अपलोड कर उन्हें नीलामी के लिए रखा गया था। इसके अलावा अदालत ने मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार एक अन्य आरोपी विशाल कुमार झा के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने पर उसे 24 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को श्वेता सिंह और मयंक रावल की पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि मामला अभी महत्वपूर्ण चरण में है, इसी वजह से आरोपियों से पूछताछ होनी बहुत जरूरी है। सिंह और रावल को मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने 5 जनवरी को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था, जबकि झा को 4 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इससे पहले दावा किया था कि श्वेता सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी है और श्वेता सिंह ने ही ऐप के लिए ट्विटर हैंडल बनाया था। फिल्म रंग दे बसंती के अभिनेता सिद्धार्थ अपने विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। सिद्धार्थ ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर सायना नेहवाल को लेकर ऐसी बेहुदा बात कह दी कि सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। लोगों ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। यही नहीं, उनके इस ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग अब उन्हें नोटिस भेजने जा रहा है। साथ ही अभिनेता पर FIR दर्ज कराने के भी आदेश दे दिए गए हैं। सायना नेहवाल ने पंजाब के भटिंडा में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को करीब 20 मिनट तक रोके जाने पर चिंता जाहिर की थी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता नेहवाल ने ट्वीट में लिखा था, कोई भी राष्ट्र सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता अगर उसका प्रधानमंत्री ही सुरक्षा से अगर उसका प्रधानमंत्री की सुरक्षा से ही समझौता किया जाए। मैं पीएम मोदी पर अराजक तत्वों द्वारा किए गए इस कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं। सायना नेहवाल के इसी ट्वीट पर एक्टर सिद्धार्थ ने रीट्वीट किया था। सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बाद सिद्धार्थ ने अपनी सफाई भी पेश की। सिद्धार्थ ने लिखा, मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मैंने किसी को कभी अपमान करने की कोशिश नहीं की है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लोकप्रिय पारंपरिक बैलों को काबू में करने वाले खेल जल्लीकट्टू को पोंगल उत्सव के दौरान कोविड-19 के सख्त नियमों के अनुपालन के साथ आयोजित करने की अनुमति सोमवार को दे दी है। सरकार द्वारा सोमवार को पारित आदेश के मुताबिक बैलों के मालिक और उनके सहायक जो अपने मवेशियों को खेल के लिए पंजीकृत कराएंगे और प्रशिक्षकों को पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ साथ कार्यक्रम से अधिकतम 48 घंटे पहले कराई गई अपनी RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही उन्हें कार्यालय में हिस्सा लेने के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। सरकारी आदेश के अनुसार केवल बैलों के मालिक और उनके प्रशिक्षकों को ही पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। जिनके पास जिला प्रशासन द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होगा, केवल उन्हीं को मैदान में जाने दिया जाएगा। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार ने जल्लीकट्टू को देखने के लिए दर्शकों की संख्या खुले स्थान पर 150 या बैठने की क्षमता पर 50% तक सीमित कर दी है। जाते जाते एक नजर खेल समाचार पर डालें तो दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के खिलाफ वीजा से जुड़ा मुकदमा जीत लिया है। मेलबर्न के फेडरेट कोर्ट ने नोवाक जोकोविच के वीजा रद्द करने के ऑस्ट्रेलियाई सरकार के फैसले को गलत माना। अदालत ने आदेश दिया कि नोवाक जोकोविच का पासपोर्ट और अन्य जो भी सामान सरकार ने जब्त किया है उसे तुरंत टेनिस खिलाड़ी को लौटा दिया जाए। हालांकि स्कॉट मॉरिसन की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने दूसरी बार उनका वीजा रद्द करने की धमकी दी है।
फेडरल सर्किट कोर्ट के जज एंथनी केली ने जोकोविच का वीजा बहाल कर दिया। जोकोविच गत बुधवार यानी 5 जनवरी 2022 को मेलबर्न पहुंचे थे। कोरोना टीकाकरण के कड़े नियमों के तहत मेडिकल छूट के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं करने के कारण उनका वीजा रद्द कर दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।